मुझको तूने मेरे लिए लोगों के सुने हैं ताने, तूने में एक पल भी न रखा दूर मुझे नजरों से, एक पल भी न रखा दूर मुझे नजरों से, एक पल भी न रखा दूर मुझे नजरों से। तेरा अखलाक मुझे हर घड़ी तड़पाता है, तेरा अखलाक मुझे हर घड़ी तड़पाता है, तेरा अखलाक मुझे हर घड़ी तड़पाता है, तेरा अखलाक मुझे हर घड़ी तड़पाता है। तेरा प्यार मुझे याद बहुत आता है, तेरा प्यार मुझे याद बहुत आता है। आखिरी वक्त पढ़ रहा हूँ, निसारा में साहब जाए ना अभी, आखिरी वक्त पढ़ रहा हूँ, मेरी गुजारिश है थोड़ी देर और बैठे साबाई, तवज्जो तमाम अहले कमेटी अहले महफिल से। वो खुश नसीब है जिनके माँ बाप जिंदा है, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो लौट कर वापस कभी नहीं आते, हर दौलत मिल जाती है। हाथ बलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनके माँ बाप है जिंदा वो है किस्मत वाले, हो अगर साहिब औलाद तो सोचो समझो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो, बड़ी उम्मीदों से अरमानों से पाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया भूखा निभाना तुझको, बाली दौलत के लिए दुनिया से रिश्ता सिर्फ बीबी के लिए बाप को मां को छोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को मां को छोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को मां को छोड़ा। सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, माल दौलत के लिए दुनिया से रिश्ता जोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को मां को छोड़ा। दोस्तों क्योंकि अब के लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के मां बाप को ससुराल में रहने लगे। हम ये नहीं कहते कि ससुराल में सारे लोग शौक में रहते हैं, लेकिन कुछ बीबियों के डर से और शौक में भी रहते हैं, कुछ अगर साले ना हो तब रहना पड़ता है। लेकिन वो मां बाप जो इन सर्द रातों में मां खुद गीले में लेट जाती है, बच्चे को सूखे में लेटा देती है, वही औलादे जब जवान हो जाती है तो अपने मां बाप की फरमाबरदारी भूल जाते हैं। अब के लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी की धूप में ते घर के छप्पर ही अजीज, जब मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। वो माँ कैसे डरती थी चरागों से हवा भूल गए, आंधियां डरती थी जिससे वो दुआ भूल गए, बीबी की फरमाइश बच्चों की जिदे अपनी शराब, ये तो सब याद रहा मां की दवा भूल गए। माँ बाप अगर बीमार है दवा लेने के लिए भी कहे तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि कल ला देंगे, लेकिन वो माँ कहती है लोग औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीब है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें, एक बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके। तो वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, मुझे कब शौक
दुनिया देख लेगा था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। माँ को ये दुनिया की रंगरलियां देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस इसलिए चश्मा चाहती है कि मेरे बच्चों की शक्ल मुझे साफ दिखाई दे जाए। ये मोहब्बत। बुजुर्गों के बनाए साए माँ कुछ तोड़ मत देना, नई खुशियों के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना, कहीं ऐसा ना हो हाथों से जन्नत ही चली जाए, बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। माल दौलत के लिए दुनिया से रिश्ता जोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, लेकिन फर्ज अल्लाह की है जैसे इबादत सैफी, फर्ज वैसे ही है माँ बाप की खिदमत सैफी। आखिरी बंद, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। बापता कहते हैं किसको और ये क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। वो परदेश में रहने वाला बेटा अपनी माँ को याद करता है। आखिरी बंद, तूने हर वक्त रखा प्यार का सर पर आंचल, एक लम्हा भी नहीं रखा नजर से ओझल, तेरी ममता का नहीं कोई जहां मिसाली, तूने हर मोड़ पे हर हाल में की निगरानी, बाकी ममता का नहीं जग में कोई बोल नसीब। नसीब नागपुरी बहुत मशहूर शायर, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, उनका लिखा हुआ ये कलाम पेश कर रहा हूं। बाकी ममता का नहीं जग में कोई बोल नसीब, बाकी कदमों से है घर खुशियों का माहौल नसीब, तेरा प्यार मुझे।